बच्चों, आज हम लोग नया रास्ता उपन्यास जो कि सुषमा अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है उसकी एक्सप्लेनेशन की सीरीज में हैं। यानी आज हम लोग नया रास्ता उपन्यास के अध्याय 2 की व्याख्या देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, ठीक है। और इसके पहले की वीडियो में मैंने बच्चों आप लोगों को नया रास्ता उपन्यास का इंट्रोडक्शन समझा दिया था, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को सुषमा जी का परिचय दे दिया था, उपन्यास की कथा वस्तु का सारांश समझा दिया था और उपन्यास के शीर्षक की सार्थकता और उपन्यास का उद्देश्य, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी थी। और नया रास्ता उपन्यास में 26 अध्याय हैं बच्चों, तो प्रथम अध्याय की एक्सप्लेनेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इसके पहले की वीडियो में बता दी है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले उस वीडियो को देख लें ताकि उन्हें उपन्यास जो है वो अच्छी तरीके से उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाए। और फिर आज हम लोग अध्याय 2 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी अच्छे प्रश्न बन सकते हैं उनके उत्तर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। नया रास्ता उपन्यास के अध्याय 2 के विषय में जानकारी लेने से पहले थोड़ा सा हम लोग अध्याय 1 के बारे में भी कहानी जान लेते हैं कि मीनू जो कि मुख्य पात्र है उपन्यास की, वो अपने बेस्ट फ्रेंड नीलिमा के घर गई हुई है मिलने के लिए उससे, और वहाँ पर दोनों में वार्तालाप होती है। और मीनू ये बताती है नीलिमा को कि मेरठ से लड़के वाले उसे कल देखने आ रहे हैं और उन्हें उसकी फ़ोटो पसंद आ गई है, ठीक है। और इसी बीच रोहित जो है वो आता है, रोहित जो कि मीनू का भाई है वो आता है और एमए का परीक्षा फल का जो पेपर है न्यूज़पेपर में निकला हुआ है वो लेकर के आता है और पता चलता है कि मीनू जो है वो प्रथम श्रेणी में पास हुई है और नीलिमा द्वितीय श्रेणी में पास हुई है, ठीक है। तो यहाँ तक की कथा वस्तु है इसमें। और फिर आगे जो है आज अध्याय 2 के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो प्रथम पंक्ति है, दूसरे दिन प्रातः होते ही दयाराम जी के घर में मेहमानों के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियाँ प्रारंभ हो गई थीं। घर की सारी चीज़ें झाड़ पोछ करके यथास्थान लगा दी गई थीं। एक मध्यम श्रेणी के व्यक्ति की हैसियत के अनुसार बैठक को विशेष रूप से सुसज्जित किया गया, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि पहले ही बताया बच्चों कि मेरठ के लड़के वाले जो है वो मीनू को देखने आने वाले हैं, तो अब दूसरे दिन सारी तैयारियाँ हो रही हैं मीनू के घर में, ठीक है। और मीनू के पिता का नाम है दयाराम, ठीक है। ये पात्र का नाम जो है बच्चों आप याद रखिएगा, तो चूँकि ये लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं तो उसके अनुसार ही जो है वो सारी तैयारियाँ वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। घर को अच्छे से साफ सफाई कर रहे हैं, अच्छे से सजा रहे हैं, ठीक है। फिर घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने गए थे, अनेक प्रकार की मिठाई बनाए गए थे, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बाज़ार से मंगाई गई थी। सबकी नज़रें दरवाजे पर लगी थी कि कब मेहमान आए, मेहमानों का बेताबी से इंतज़ार था। मीनू की माँ को पूरी आशा थी कि इस बार मीनू का रिश्ता हो जाएगा, भगवान से न जाने कितनी मनौतियाँ माँ ने मांगी थी, ठीक है। अब हमारे समाज में जो है वो विवाह जो है वो एक उत्सव की तरह होता है, उसे बहुत बड़ा स्थान दिया जाता है। और यही कारण है कि अब चूंकि लड़की को देखने आ रहे हैं लड़के वाले, और यहाँ पर हमारे समाज की एक ऐसी भी विचारधारा है कि लड़की वालों को लड़के वालों से कमतर माना जाता है, ठीक है। तो ऐसी विचारधारा है, यही कारण है कि लड़की वाले जो है वो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं जिससे कि लड़के वाले के आदर सत्कार में कोई कमी हो और उन्हें नाराज़गी हो। तो पूरी कोशिश करते हैं कि लड़के वाले जो है वो खुश हों और लड़की का रिश्ता जो है वो पक्का हो जाए, ठीक है। तो ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं, दयाराम जी के घर आए हैं सारे, आने वाले हैं सारे लोग, तो ये लोग सारा खूब अच्छे से उनके आदर सत्कार की तैयारियां कर रहे हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन बन रहे हैं और ड्राइंग रूम को, बैठक जो कि ड्राइंग रूम कहा जाता है उसे अच्छे से सजा रहे हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं तो उस अनुसार अपना पूरी व्यवस्था कर रहे हैं आदर सत्कार करने की, ठीक है। और माँ को पूरी आशा थी, पूरी इत्मीनानियत थी कि इस बार जो है मीनू का रिश्ता अवश्य हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले कई लड़के वाले देखते हैं लेकिन मीनू का जो रंग है वो सांवला है और उसका कद जो है छोटा है, इस कारण से उसका विवाह जो है नहीं हो पाता है। तो इस बार चूँकि फ़ोटो लोगों को पसंद आ गई है तो माँ जो है मीनू की वो सोचती है कि इस बार तो निश्चित रूप से इसका विवाह पक्का हो जाएगा, ठीक है।
कुछ क्षण बाद घंटी बजी। रोहित शीघ्र ही दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा। मेहमानों का शानदार स्वागत किया गया। मीनू को देखने के लिए अमित, उसके पिता मायाराम जी, माता जी व छोटी बहन मधु आए थे। उनके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई। परिवार के हर सदस्य के हृदय में नया जोश व उमंग थी, मानो उनके घर में कोई देवता आ गए हो। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आप पात्र के नाम देख लीजिए। अमित जो कि लड़के का नाम है जिसका जिससे मीनू का विवाह के लिए आया है, और माया राम जी ये अमित के पिता का नाम है। ठीक है, और उनकी माता जी और अमित की बहन का नाम है मधु। ठीक है, ये पात्रों के नाम बच्चों आप नोट करते चलिए, क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको। जानकारी रहेगी तो उस अनुसार से आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या है, वो लोग घंटी बजती है और ये सारे लोग जो है घर में आते हैं। अब घर के लोगों में एक उत्साह तो रहता ही है कि मेहमानों का स्वागत बहुत अच्छे से करना है, तो किसी प्रकार की कोई कमी वो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ क्षण बाद हाथ में सौंफ इलायची लिए मीनू ने कमरे में प्रवेश किया। सांवले रंग पर गुलाबी साड़ी पहने हुए वह बहुत सुंदर लग रही थी। लाज शर्म से दबी मीनू कुछ समय तक नीचा मुंह किए चुपचाप बैठी रही। कुछ समय बाद अमित ने मीनू से बातें करनी प्रारंभ की। ठीक है, अब आदर सत्कार हो गया, मतलब आपस में परिवार वाले मिल लिए। अब चूंकि वो लड़की देखने आए हैं, मीनू को देखने आए हैं, तो कुछ समय के पश्चात मीनू जो है सौंफ इलायची लेकर के लोगों से मिलने आती है। ठीक है, और मीनू यद्यपि सांवले रंग की है लेकिन गुलाबी साड़ी वो पहनती है, जिसके कारण उसका चेहरा खिल जाता है, वो सुंदर लगती है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर लग रही है, वो चुपचाप आकर के वहाँ बैठ जाती है। और सबसे हाल समाचार होने के पश्चात मीनू जो है, अमित जो है वो मीनू से बातचीत करता है। ठीक है, मीनू तुम्हारा एमए का रिजल्ट आ गया है? मीनू ने सहज भाव से उत्तर दिया, जी प्रथम श्रेणी में पास किया है। वेरी गुड, कहकर अमित के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर गए। तुम्हें घर के किन किन कार्यों में रुचि है? अमित ने दूसरा प्रश्न किया। जी सिलाई बुनाई, कढ़ाई, खाना बनाना, पेंटिंग आदि सभी कर लेती हूँ। क्या तुम संयुक्त परिवार में मेरे माता पिता व बहन के साथ रहना पसंद करोगी? जी, कहकर मीनू ने अपना गर्दन झुका लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अमित जो है वो मीनू से बातचीत करता है कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया है एमए का, तुमने किस श्रेणी में पास किया, तो ये सारे वार्तालाप इन लोगों के बीच में होते हैं। और मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि संयुक्त परिवार में रहने के लिए वो मीनू से पूछता है अमित जो है, क्योंकि अमित चूँकि जो है वो एक सामान्य सी सोच का लड़का है, उसे ये इम्पॉर्टेंट है कि रूप रंग उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि उसका गुण इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसी विचारधारा ही यहाँ पे दिखाई दे रही है अमित की, तो इसीलिए वो पूछता है कि माता पिता के साथ तुम रह लोगी, क्योंकि उसकी ये इच्छा है कि वो उसके माता पिता के साथ उसकी जो पत्नी है वो अच्छे से रहे। ठीक है, अमित की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उसे ऐसी लड़की मिले जो उसके माता पिता के साथ ठीक तरह से रह सके, उनका आदर सत्कार कर सके। मीनू के हाँ कहने पर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। जहाँ तक उसके रंग रूप का सवाल था, अमित के हृदय में उसका भोला चेहरा समा गया था। ठीक है, यानी उसे मीनू अच्छी लगने लगी थी। तभी मीनू की बहन आशा व भाई रोहित ने कमरे में प्रवेश किया। अमित के माता पिता भी कमरे में आ गए थे। आशा को देखकर सबकी नज़रें उस सुंदर चेहरे की ओर जम गई जिसमें नव यौवन का निखार था। वैसे भी आशा रंग रूप में मीनू से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, यहाँ पर आशा जो है वो मीनू की छोटी बेटी है, और मीनू की छोटी बहन है, और दया राम जी की छोटी बेटी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। मीनू की छोटी बहन है आशा, और दया राम जी की छोटी बेटी है। ठीक है, तो मीनू जो है ये सब बातें हो रही हैं, अमित से बातचीत हो रही है, तो इसी में आशा जो है वो कमरे में आती है और वो सुंदर है मीनू से, तो जिसके कारण लोगों की नज़र उस पर चली जाती है, क्योंकि समाज में सुंदरता को एक विवाह के लिए एक बड़ा मापदंड बना लिया गया है। तो चूंकि आशा सुंदर है और उसका रंग रूप जो है वो मीनू से कहीं ज़्यादा अच्छा है, तो लोग उसको देखने लगते हैं। ठीक है, अमित व उसके माता पिता ने आशा से प्रश्न किए। आशा हंस हंस कर सबके उत्तर देती रही। मीनू की माँ को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें इस बात का आभास था कि आशा मीनू से कहीं ज़्यादा रूपवती है।
ठीक है। अब चूंकि माँ जो हैं उन्हें अनुभव था समाज में जो भी चीज़ें चल रही हैं, लोगों की सोच का अनुभव था, तो इसी कारण से उन्हें आशा का जो हंस हंस करके लोगों से बातचीत करना है वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई लोगों के मन में भी ऐसा ही आएगा कि लड़की जो है मीनू जो है वो इतनी सुंदर तो है नहीं, लेकिन आशा सुंदर है, लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो इसीलिए उन्हें यह सब चीज़ सोच करके आशा की माँ को अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, जब लड़का लड़की को देखने आए तो यह समय एक परीक्षा का समय होता है। लड़की के हृदय में एक अंतर द्वंद होता है कि वह इस परीक्षा में पास हो सकेगी या नहीं। मीनू इस परीक्षा में कई बार असफल हो चुकी थी, इसीलिए उसके हृदय का अंतर द्वंद और अधिक तीव्र हो गया था। इसी कारण उसके चेहरे पर और अधिक उदासीनता व घबराहट की झलक घबराहट झलक रही थी। ठीक है, यहाँ बच्चों अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद का अर्थ होता है आंतरिक संघर्ष, यानी मन में दो विपरीत चीज़ों के प्रति उथल पुथल हो रही हो। तो जब लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं तो उस समय लड़की का जो एक परीक्षा की तरह होता है, एक एग्ज़ाम जैसा होता है, क्योंकि उसके मन में ये चलता रहता है कि लड़के वाले उसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि विवाह जो है वो बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है एक लड़की के लिए। तो अब चूँकि मीनू के साथ क्या हो चुका है कि इसके पहले भी काफ़ी लोगों ने उसे देखा है लेकिन उसे पसंद नहीं किया, विवाह संपन्न नहीं हुआ, तो इस कारण से मीनू के मन में ये अंतर्द्वंद चलता रहता है और वो बहुत ही उदासीनता का भाव उसके चेहरे पर रहता है, घबराहट भी रहती है। ठीक है, दूसरी ओर हंस हंस कर बातें करते समय आशा का सुंदर रूप और अधिक निखर आया था। तभी माँ ने आशा को कमरे से बाहर बुलाया और कहा, आशा तुम अंदर जाकर इस तरह से बातें क्यों कर रही हो? पर माँ इसमें क्या बात हो गई, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें उत्तर दे दिया। क्या उनकी बातों का रोक कर जवाब देती? आशा ने बचकानी हरकत करते हुए माँ से कहा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर कि माँ को थोड़ा सा ये चीज़ें तो हो ही गई थी कि लड़की जो है हंस हंस के बातें कर रही है तो लोगों के मन में क्या आएगा, और लोग चूँकि वो सुंदर भी है तो लोगों के विचारों और मानसिकता को समझ रही थी, तो इसलिए उन्होंने डांटा आशा को कि तुम यहीं पर रहो, तुम क्यों हंस हंस के बातें कर रही हो। लेकिन अब आशा जो है वो छोटी है, उससे उसके अंदर इतनी ज़्यादा उसका जो मानसिक जो लेवल है यानी उसकी जो दिमागी वो बड़ी नहीं है कह सकते हैं, तो वो बहुत बड़ा नहीं सोच सकती, उसे समाज का इतना बड़ा ज्ञान नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो इस कारण से वो क्वेश्चन करती है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया। फिर भी खैर, तो इस तरह की बातें होती हैं माँ और आशा के बीच में। उसकी बचकानी हरकत को देखकर माँ को क्रोध आ गया और गुस्से में बोली, तुम अंदर नहीं जाओगी, चुपचाप बैठ जाओ वहाँ पर। ठीक है, उसे अंदर जाने से मना कर दिया, कहा कि दूसरे कमरे में ही रहो। माँ के कहने पर आशा दूसरे कमरे में चली गई, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने उस ऐसा क्यों किया, अंदर जाकर बात करने में क्या नुकसान है, माँ उसे हंसने को क्यों मना कर रही है। यही अंतर्द्वंद उसके कोमल और नादान हृदय में बहुत देर तक चलता रहा। ठीक है, यानी आशा उसे समझ नहीं पा रही है क्योंकि अभी छोटी है कि उसे माँ ने ऐसा करने से क्यों मना किया। कुछ समय बाद सभी मेहमान जाने के लिए उठ खड़े हुए। मीनू के पिता दयाराम जी ने अमित के पिता से विनम्र निवेदन किया, भाई साहब आपका क्या जवाब रहा? ठीक है जी, घर जाकर विचार करेंगे, उसके बाद आपको पत्र लिखेंगे, यह कहकर उन्होंने वहाँ से विदा ली। ठीक है, तो यानी जो मेहमान आए थे, गेस्ट आए थे, वो लोग जो है उन लोगों से दयाराम जी जो कि मीनू के पिता हैं उन्होंने पूछा कि आपका क्या विचार है, यानी विवाह के संबंध में हाँ है या ना है। तो जो अमित के पिता हैं मायाराम जी, उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग घर जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे। उनके जाने के पश्चात दयाराम जी कुछ निढाल से होकर सोफे पर बैठ गए, तभी उनकी पत्नी भी वहाँ पास में ही आकर बैठ गई। कुछ क्षण तक वे उनके चेहरे को देखती रहीं। निढाल यानी शिथिल हो गए, वो दिन भर की थकान थी उन्हें, तो निढाल हो गए, शिथिल शरीर से आकर के वो सोफे में बैठ गए और फिर उनकी जो पत्नी है वो उनके चेहरे को देखती रहीं और उनसे कुछ पूछना चाह रही होंगी। अपने पति के मन में उभरे भाव को वह अच्छी प्रकार से समझ रही थी। जब उनसे रहा न गया तो वह बोल ही पड़ी, अजी आपको क्या लगता है मीनू का रिश्ता हो जाएगा यहाँ? ठीक है, अब चूंकि जो गेस्ट थे अमित के परिवार वाले वो लोग चले गए और आपस में परिवार जो दयाराम जी का परिवार है, मीनू का जो परिवार है, वो आपस में ही बातचीत कर रहे हैं, तो
दयाराम जी की पत्नी जो है दयाराम से कहती है कि आपको क्या लगता है कि विवाह संपन्न होगा, यहाँ पे पक्का होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे अमित तो मीनू से काफ़ी बातें कर रहा था। हाँ, हमारी मीनू देखने में अच्छी भी लग रही थी, उसकी बहन भी साथ में बैठी हुई थी, परंतु हमारी मीनू उससे कहीं ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। देखो, मीनू की माँ अच्छा ही है, यदि यहाँ रिश्ता हो जाए तो। वैसे जहाँ संजोग होता है, होता तो वहीं पर है। अब हमने तो सब ईश्वर के हाथों में सौंप दिया है, जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होकर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों संजोग का अर्थ होता है अच्छा योग, यानी लक कह सकते हैं या भाग्य कह सकते हैं। ठीक है, तो अब दयाराम जी और उनकी पत्नी के बीच में वार्तालाप हो रही है। तो दयाराम जी कहते हैं कि विवाह जो है वो संजोग का है। हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि ईश्वर की मर्जी से ही विवाह होता है, जहाँ भाग्य लिखा होता है वहाँ होता है। तो इस तरह की जो है लोगों की सोच है। तो यही चीज़ जो है वो दयाराम जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि अब जहाँ लिखा होगा वहाँ होगा, ईश्वर की जो मर्जी होगी होगा। अब मैं इसमें क्या बताऊँ कि ये परिवार वाले जो देख करके गए हैं, अमित के परिवार वाले, वो वहाँ पे मीनू की शादी तय होगी या नहीं होगी। हाँ, ये प्रिडिक्शन थोड़ा सा इन लोगों के हो रहा था कि मीनू से बातें कर रहा था अमित, और मीनू आज अच्छी भी लग रही थी। इस तरह की बातें चल रही हैं आपस में परिवार वालों के। ठीक है, हाँ यह तो आप ठीक ही कहते हो। इसी बीच मीनू भी अंदर कमरे में आशा के पास चली गई। माँ के कहने पर आशा कुछ उदास हो गई थी, परंतु उसने मीनू को इस बात का आभास न होने दिया कि माँ ने उसे डांटा है। आशा मीनू की प्रशंसा करते हुए बोली, दीदी आज तो आप गुलाबी रंग की साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हैं। चल हट, मजाक करती है। नहीं दीदी, मजाक नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा चल, तुझे तो अच्छी लगी, परंतु क्या पता जिन्हें पसंद आनी चाहिए उन्हें तो अवश्य ही पसंद आई होगी। देखो क्या होता है, कहकर मीनू अपनी साड़ी बदलने चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो दोनों बहनें हैं, मीनू और आशा, उनके बीच वार्तालाप हो रही है, उनके बीच बातचीत हो रही है। और आशा जो है वो मीनू से कहती है अपने जो, चूँकि माँ ने उसे डांट दिया है, भले ही वो दास है लेकिन वो मीनू को पता होने देना नहीं चाहती है, और कहती है कि आप बहुत अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी आज, और निश्चित रूप से आपको वहाँ पे लोग पसंद कर लेंगे। लेकिन अब चूँकि मीनू जो है वो संशय में है, क्योंकि इसके पहले भी वो कई बार रिजेक्ट हो चुकी है, उसका विवाह नहीं तय हो पाया है, तो उसके मन में संशय है कि क्या पता वो लोग पसंद करेंगे या नहीं। तो ये सब सारी बातें जो हैं उस उन दोनों के बीच में हो रही है, और मीनू उससे यही कहती है कि क्या पता वो लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, तो देखो क्या होता है। ठीक है, और ऐसा कह करके मीनू साड़ी बदलने के लिए चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अध्याय दो जो है वो ख़त्म हो जाता है, और यहाँ तक की कहानी जो है, यानी उपन्यास की जो कथा वस्तु है, वो आपको समझ में आ गई होगी। आप स्वयं से भी इसे रीड कीजिए, पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग उपन्यास है ये, और आपको अच्छी लगेगी बच्चों, तो आप इसे पढ़िए। ठीक है, और यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको किसी भी पैराग्राफ पर प्रश्न आएंगे और उनके उत्तर लिखने हैं आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। गद्यांश एक है, दूसरे दिन प्रातः होते ही दयाराम जी के घर में मेहमानों के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां प्रारंभ हो गई थीं। घर की सारी चीज़ें झाड़ पोछ कर यथास्थान लगा दी गई थीं। एक मध्यम श्रेणी के व्यक्ति की हैसियत के अनुसार बैठक को विशेष रूप से सुसज्जित किया गया। ठीक है, ये गद्यांश है, और इससे रिलेटेड प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन किसके घर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न आते हैं बच्चों, तो उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में दयाराम जी के घर मेरठ के रहने वाले मायाराम जी और उनका परिवार, अर्थात उनका बेटा अमित, पत्नी और बेटी मधु आने वाले हैं। वे दयाराम जी की बेटी मीनू को विवाह के लिए देखने आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ बच्चों दयाराम की जगह मायाराम जी होगा, यहाँ गलत मैंने टाइप कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ मायाराम होगा। ठीक है, और उनका जो परिवार है वो है अमित,
मायाराम जी का बेटा है, पत्नी है और उनकी बेटी मधु है, ठीक है। और ये लोग उसको देखने आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आने वाले मेहमान को विशेष महत्व क्यों दिया जा रहा है, यानी जो लड़के वाले आ रहे हैं घर में उनको क्यों विशेष महत्व दिया जा रहा है। उत्तर है, दयाराम जी की बेटी मीनू सांवले रंग और छोटे कद की है, जिसके कारण कई लड़कों ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, किंतु मेरठ वालों को मीनू की फ़ोटो पसंद आ जाती है। मीनू की मां को लगता है कि इस बार उसका रिश्ता निश्चित ही तय हो जाएगा। यही कारण है कि पूरा परिवार बहुत उत्साह से मेहमानों के स्वागत में लगा हुआ था और उन्हें विशेष महत्व दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसी तरह से आंसर लिखेंगे बच्चों, क्योंकि मेहमान जो आए हैं उन्हें क्यों इतना महत्व दिया गया, क्योंकि हमारे समाज में ये है कि लड़की के लिए एक विवाह का जो रिश्ता है, रस्म है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की तैयारियाँ विशिष्ट संदर्भ में स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये पंक्ति है उसमें, उसको ही आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। उत्तर है, विभिन्न प्रकार की तैयारियां यहाँ पर विशेष संदर्भ में है। मीनू के विवाह के लिए उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हमारे समाज में आज भी विवाह की रस्म किसी उत्सव से कम नहीं होती है, और विवाह के लिए यदि लड़के वाले लड़की को देखने आने वाले हैं तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि लड़के वालों को लड़की पसंद आ जाती है तो उसके पश्चात ही विवाह संपन्न होता है। यही कारण है कि लड़की वाले विभिन्न प्रकार की तैयारियों, जैसे बैठक सुसज्जित ढंग से सजाना, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाना और भली भांति आतिथ्य सत्कार करना आदि को प्राथमिकता दी जाती है। दयाराम जी के घर यही व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि लड़की को देखने आने वाले हैं लोग, तो सारी जो व्यवस्था की जा रही है उसके संदर्भ में आप इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। आने वाले मेहमान से परिवार के लोगों को क्या उम्मीद थी, ठीक है, ये अगला प्रश्न है आपका। और उत्तर है, मीनू का विवाह अभी तक उसके सांवले रंग और छोटे कद के कारण नहीं हो पाया है, क्योंकि कई लड़कों ने इन्हीं कारणों से उससे विवाह करने से इनकार कर दिया था, किंतु मेरठ के लोगों को मीनू की फ़ोटो पसंद आ जाती है और वही लोग मीनू को देखने आने वाले हैं। इसीलिए परिवार वालों को पूरी उम्मीद थी कि इस बार मीनू का रिश्ता अवश्य पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो चूँकि इसके पहले कई लड़के वाले से रिजेक्ट हो चुका है, विवाह तय नहीं हो पाता है, तो इसीलिए इस तरह से कि मेहमान को, जो आने वाले मेहमान हैं यानी अमित के परिवार वाले, मायाराम जी के परिवार वाले, तो उनसे उम्मीद थी दयाराम जी के परिवार को कि इस बार मीनू का विवाह तय हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका दूसरा गद्यांश है, देखो मीनू की माँ, अच्छा ही है यदि यहाँ रिश्ता हो जाए तो, वैसे जहाँ संजोग होता है होता तो वहीं पर है, अब हमने तो सब ईश्वर की के हाथों में सौंप दिया है, जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होकर रहेगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, कथन का वक्ता कौन है, वह किससे किसके विषय में बातें कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप पात्रों के नाम अवश्य ध्यान से रखिए, ठीक है, और कि मीनू के पिता का नाम दयाराम था, अमित के पिता का नाम मायाराम जी था, अमित कौन था, अमित जो है वो मीनू को देखने आने वाले लड़के का नाम है, आशा जो है वो मीनू की छोटी बहन है, रोहित जो है वो मीनू का छोटा भाई है। तो इस तरह से सारे पात्रों के नाम आप नोट कर लीजिए एक जगह पर, ठीक है। तो प्रश्न आपका है, कथन का वक्ता कौन है, वह किससे किसके विषय में बातें कर रहा है। कथन का वक्ता दयाराम जी हैं, वह अपनी पत्नी से अपनी बेटी मीनू के विवाह के विषय में बातें कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जहां संजोग होता है होता तो वही है, वहीं पर है, कथन का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, हमारे भारतीय समाज में विवाह के संबंध में ऐसी मान्यता है कि विवाह ईश्वर की मर्जी से संजोगवश ही होता है, अतः जहां और जिसके साथ विवाह होना लिखा है वहीं होता है। इस कथन में दयाराम जी का तात्पर्य यही है कि उनकी बेटी मीनू का विवाह जहां ईश्वर ने निश्चित किया होगा वहीं पर पक्का होगा, ठीक है।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेरठ से आने वाले लड़के का क्या नाम था और उसे मीनू कैसी लगी? उत्तर है, मेरठ से आने वाले लड़के का नाम अमित था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उसका विवाह ऐसी लड़की से हो जो उसके माता पिता के साथ ठीक तरह से रहे और उनका आदर सत्कार करे। मीनू एक व्यवहारिक और सर्वगुण संपन्न लड़की थी जिससे वह अमित को पसंद आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों पंक्ति में ही लिखा, मतलब जो अध्याय दो है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं, आप वहीं से आपको उठा करके लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से आप उपन्यास को पढ़िए तो आपको सारी पंक्तियाँ जो हैं वो ध्यान रहेंगी और उसमें से ही आपको उत्तर लिखना है, आप उत्तर आसानी से लिख पाएंगे। तो अमित की इच्छा रहती है कि उसके माता पिता का ध्यान रखे, उनके साथ आदर सत्कार से रहे, तो ऐसी ही लड़की से वो विवाह करना चाहता है। उसके लिए रूप रंग बहुत मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो आप इसी तरह से उत्तर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनू के हृदय में कैसा अंतर्द्वंद था? ठीक है, अंतर्द्वंद यानी आंतरिक जो संघर्ष चल रहा है। उत्तर है, जब कोई लड़का विवाह के लिए लड़की को देखने आता है तो यह समय लड़की के लिए परीक्षा का समय होता है और यही अंतर्द्वंद मीनू के हृदय में होता है कि वह इस परीक्षा में पास हो सकेगी या नहीं। मीनू इस परीक्षा में कई बार असफल हो चुकी थी, अर्थात कई लड़कों ने उसे देखकर विवाह से इनकार कर दिया था, जिसके कारण उसके चेहरे पर उदासीनता और घबराहट के भाव थे। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। और आपने अगर उपन्यास को अच्छे से समझा हुआ है, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझी हुई है बच्चों, और कुछ जो भी पात्र हैं उनके नाम आपको अच्छे से याद हैं, पात्रों ने कब कब किससे क्या कहा ये याद है, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए एक्सप्लेनेशन को, उपन्यास को आप ध्यान से पढ़िए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में वो आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको कुछ जो भी अच्छे प्रश्न ही बनाए हैं मैंने आपके लिए बच्चों, तो उसके उत्तर मैंने आपको दिए हैं, ताकि कोशिश मेरी यही रहती है बच्चों कि मैं अच्छे अच्छे प्रश्न रखूँ आपके सामने बना करके, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस तरह से ही प्रश्न आने हैं, क्योंकि मैं जो पिछले वर्ष के जो पेपर होते हैं उनको देख करके ही मैं कोशिश करती हूँ कि प्रश्न तैयार करूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों अध्याय दो की एक्सप्लेनेशन और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स। और अगली क्लास में हम लोग अध्याय तीन की एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके विषय में जानेंगे। ठीक है, तो और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, और यदि कोई भी डाउट है कुछ भी है तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं उसके उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगी। और बच्चों आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।